आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को फायदा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि उसके ही कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। अब जब मतदान का वक्त आया तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने ही आम आदमी पार्टी को फ्रॉड पार्टी कह डाला। कांग्रेसी उम्मीदवार के फ्रॉड कहने से दोनों पार्टियों के बीच तकरार बढ़ने के आसार है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन तो हो गया, लेकिन जमीन पर दोनों के बीच की दूरी साफ दिख रही है। दोनों पार्टियों के बीच न कोई सामान्य है और न ही ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त किया गया है। दोनों पार्टियों के बीच न कोई समन्वय है और न ही ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त किया गया है। दोनों पार्टियों के बीच इस बात को लेकर कभी कोई बैठक तक नहीं हुई। इस बीच कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मवीर गांधी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह फ्रॉड पार्टी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन एक मजबूरी है, फिलहाल आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, अगर हम राज्य में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी का असर हम पर भी होगा, ऐसे में 2027 के चुनाव में कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी। धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी से 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीतकर पटियाला से सांसद थे। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस ने उन्हें पटियाला से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी से देश के हजारों लोगों ने मार खाई है, हम सबको लगा था कि देश में बदलाव का कोई झोंका आया है, लेकिन हमारा सपना टूट गया। धर्मवीर गांधी एक बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। 2011 से वह आम आदमी पार्टी के साथ एक्टिव थे। इसके बाद 2014 में उन्हें आम आदमी पार्टी ने पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा। उन्होंने परनीत कौर को हराया। हालांकि 2016 में ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने नवा पंजाब नाम की अलग ही पार्टी बनाई, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार धर्मवीर गांधी का मुकाबला एक बार फिर परनीत कौर से है। वह बीजेपी के टिकट पर पटियाला से चुनाव लड़ रही हैं।